दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक तिवारी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आप मेरे पीछे बैकग्राउंड कुछ अलग देख रहे होंगे, और दिना तो रोज रूल आश्रम का देखते हैं। आज मैं आया हूँ अपने घर अल्मोड़ा। तो देखिए पीछे का सुंदर नज़ारा बैक कैमरे से, तो लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यह है पूरा अल्मोड़ा तो नहीं कहेंगे इसे, यह एक साइड का है। यह देखिए आप सामने देख रहे हैं, गोलना करड़िया नाम है यहाँ का, और ऊपर चीना खान। यह ऊपर जहाँ टावर देख रहे हैं वहाँ है तुम्हारा ढूंगा धारा, और यहाँ ऊपर जेल रोड भी कहते हैं इसे। यह देखिए जो यह नीचे रोड दिख रही है आपको, यह जाती है लमगड़ा को और ऊपर धारा नौला। ये देखिए मेरे वहाँ से चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। अभी ही धुंध छटनी शुरू हुई है, अभी ही धूप आई है, अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा धुंध लगी हुई है। तो यह देखिए मेरे घर में सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं। ये देखिए मम्मी ने प्याज भी लगाया है और हरी सब्जी, और इधर देखिए तो ये देखिए मेथी, और यह मूली भी हुई है थोड़ा थोड़ा, और वह देखिए लाई। तो यह है मेरे घर के कुछ फूल, ये देखिए आपको दिखाता हूँ और आगे को फूल। ये देखिए तुलसी माता का पेड़, ये देखिए कुछ इस प्रकार फूल खिले हैं आजकल। तो देखिए दोस्तों, यह है धारनौला की टैक्सी स्टैंड। तो यह देखिए कुछ इस प्रकार सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से चारों तरफ का। तो यह देखिए सामने है, यह आप मेरे सामने जो खेत देख रहे हैं, यह यहाँ का ब्लॉक हवालबाग ब्लॉक है। अल्मोड़ा क्षेत्र जो है, अल्मोड़ा शहर, वह हवालबाग ब्लॉक में ही आता है। हमारा ब्लॉक है हवालबाग ब्लॉक, उससे ज़रा इधर हटें तो यह बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, यह है ITBP की बिल्डिंगें हैं। यहाँ है ITBP वालों का वो ऑफिस। यह देखिए यह हरी टीन वाले मकान आप देख रहे होंगे बीच में, तो यह है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्था। और यह सामने आप लाल टीन वाला देख रहे होंगे, तो यह है कृषि अनुसंधान केंद्र विवेकानंद वाला। और यह टॉप में आप चोटी देख रहे होंगे, वहाँ पर एक आपको टावर और घनी पेड़ टाइप के दिख रहे होंगे, वह है माँ श्याई देवी का मंदिर। वह पेड़ अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है, दूर से देखने में वह पेड़ बिल्कुल शेर के आकार का है, जो माँ दुर्गा का वाहन होता है शेर, उसकी आकृति में बना है, इतना वो मनमोहित दृश्य है वहाँ। ये देखिए चारों तरफ आप देख लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार है। आज धुंध है, बादल लगे हैं, मौसम ख़राब है तो उतना क्लियर आ नहीं रहा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। और यह देखिए इस दृश्य के बीच में यह पेड़, यह भी एक अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। यह देखिए आपने मेरा पुराने ब्लॉग देखे होंगे, मेरे एक ब्लॉग में मैंने थंबनेल यहीं का लगाया है, भाई की शादी में चले भीमताल वाली ब्लॉग में देखना मेरा थंबनेल, वो यहीं का है। तो देखिए यहाँ चारों तरफ बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आगे को मैं और भी अच्छे अच्छे दृश्य दिखाता हूँ आपको। तो यह देखिए दोस्तों, यह है कसार देवी का सबसे फेमस डोलमा रेस्टोरेंट। यहाँ के मोमो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो कृपया आप कभी कसार देवी आएँ तो यहाँ के मोमो टेस्ट ज़रूर करिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोमो भी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए इस प्रकार आपको सीटिंग व्यवस्था दिखेगी यहाँ अंदर आके। यह है पूरा रेस्टोरेंट डोलमा का, और यहाँ अंग्रेज सब रहते हैं। ये देखिए सामने का कसार देवी मंदिर यहाँ से थोड़ा ही आगे है। तो ये देखिए यह है पूरा रेस्टोरेंट डोलमा। तो चलिए अभी ऑर्डर देते हैं, फिर दिखाते हैं आके मोमो। तो चलिए दोस्तों
तो चलिए दिखाते हैं आपको अभी। तो ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं मेरी मोमो और कॉफ़ी। तो ये देखिए मोमो, आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल दीपक तिवारी ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।